वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में टांडा के मेडिकल कॉलेज, मतलब जो हमारा टांडा में मेडिकल कॉलेज है, उसका कट ऑफ शेयर करूँगी। तो ठीक है, तो हमारा पहले AIQ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मैंने सारी डिफरेंट कैटेगरी जैसे जर्नल, EWS, OBC, SC, ST वो इंक्लूड करी है। स्टेट कोटा के अंदर जितनी भी रिजर्वेशन आती हैं, चाहे डिफेंस की है, FF, EWS, फिजिकली चैलेंज, सबकी कर रखी है। ठीक है ना, तो अगर आपका ऑल इंडियन कोटा है, ठीक है, और आपके मार्क्स 651 है, ऑब्वियसली यहाँ रैंकिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक ही रैंक पे कितने सारे मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, सॉरी एक ही मार्क्स पे कितने सारे रैंक्स आ जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अभी आपका नीट का रिजल्ट आ जाए, फिर मैं रैंकिंग के साथ और ज़्यादा ईजी हो जाएगा बना दूँगी। ठीक है, अभी के लिए आपको जो कन्फर्म करना, जैसे कॉलेज कौन सा मिल सकता है, तो ईजी रहेगा। अगर आपका EWS कैटेगरी है तो 643 मार्क्स, OBC 637 मार्क्स, SC 568 मार्क्स, SC ST 521 मार्क्स एंड EWS PH 207 मार्क्स। ठीक है, अब है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोटा। अगर जर्नल GK 614, जर्नल 563, जर्नल एक्स सर्विसमैन 559, OBC 553, जर्नल SG 539, अगर आपके 560 तक भी मार्क्स है ना, तो भी आपको मिल जाएगा जर्नल का, क्योंकि मैं जर्नल का इतना ढंग से बता सकती हूँ कितना आ जाता है ना। SC 520 मार्क्स, ठीक है, और OBC का बता देती हूँ आपको। OBC में 553 टू 543 तक अगर हैं तो मिल जाता है आपको। EWS 512, SC 505, BA 499, जर्नल TBT 414, जर्नल FF 343, जर्नल PH 209, जर्नल डिफेंस 196। ठीक है, तो ये है हमारा टांडा का कट ऑफ। अभी आपका नीट का रिज़ल्ट आ जाए तो मैं आपका रैंकिंग के साथ भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैंने फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह अपलोड कर रखा है, पर अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए टोटल कितना बैठता है हॉस्टल वगैरह मेस का, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की, पर अभी मैंने यही अपलोड कर रखा है। ठीक है ना, मैंने IGMC के ऊपर एंड YS परमार के ऊपर कर दिया है, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। जो और कॉलेजेस हैं उनका भी बताऊंगी। इस बार मैं आपको एम्स बिलासपुर से जुड़ी बातें भी कोशिश करूंगी बताने की। और आपको पता है अभी एक और नया सीट इंक्रीज़ हुआ है, तो उसमें कहा है कि 20 सीट्स हिमाचल की इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है ना, होएंगी, मतलब जो कॉलेज हैं उन्हीं के अंदर इंक्रीज़ होएंगी, तो आप देख सकते हो थोड़ी बहुत सीट्स बढ़ेंगी, चार चार सीट शायद हर कॉलेज में बढ़ जाए, 3 या 4। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।